तो अब मैं यहाँ पर एक नया लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, दैट इज ऑन वीएलएसआई डिजाइन। ये तो मैं नहीं कह सकता कि दिस इज यूजफुल फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, बट दिस विल बी यूजफुल टू द फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, दोज हु आर प्रिपेयरिंग देमसेल्फ फॉर डूइंग फर्दर स्टडीज इन वीएलएसआई, फॉर एग्जाम्पल फॉर गोइंग फॉर एमटेक और पीएचडी। तो उनके लिए या फिर जो अपने एकेडमिक एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये लेक्चर सीरीज यूजफुल हो सकती है, ठीक है। तो आई एम जस्ट कवरिंग द सिलेबस ऑफ अ नॉर्मल अंडर ग्रेजुएट वीएलएसआई डिजाइन के बारे में। तो इसमें जो इस लेक्चर सीरीज में मैं कवर करूंगा, आई एम जस्ट गिविंग अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो पहला टास्क इसमें होगा कि आई विल बी कवरिंग द मॉस ट्रांजिस्टर, ठीक है। उसके अंदर मैं नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन दूंगा सेमी कंडक्टर्स के ऊपर, ठीक है। हाउ मॉस इज वर्क एज अ कैपेसिटर, हाउ इट बिहेव एज अ कैपेसिटर, इसको डिस्कस करूंगा। मॉस ट्रांजिस्टर जिसमें उसके दोनों टाइप, डिप्लेशन टाइप एंड एनहांसमेंट टाइप, उसके जितने भी डेरिवेशन हैं उसको देखेंगे। मॉसफेट थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस, मॉसफेट करंट इक्वेशन जो डिराइव करूंगा मैं, एंड फाइनली द मॉसफेट वीआई कैरेक्टरिस्टिक। तो दिस इज द फर्स्ट यूनिट ऑफ यू कैन से फर्स्ट टॉपिक, क्योंकि नाउडेज वीएलएसआई डिजाइन मीन्स यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ मॉस ऑल्सो। मतलब आपको मॉस का कंसेप्ट नहीं क्लियर है, बेसिक्स नहीं क्लियर है, तो आप वीएलएसआई डिजाइन जो डिजिटल वीएलएसआई डिजाइन है यू कैन गो इन दैट। तो आपको फंडामेंटल्स क्लियर होना जरूरी है, देयरफॉर आई एम कवरिंग द फंडामेंटल ऑफ मॉस ट्रांजिस्टर इन द फर्स्ट यूनिट। नेक्स्ट उसके बाद जो हम लोग आएंगे दैट इज मॉस डिजाइन पैरामीटर्स, ठीक है। तो उसमें हम लोग मॉसफेट स्केलिंग देखेंगे, स्मॉल ज्योमेट्री इफेक्ट्स देखेंगे, मॉसफेट कैपेसिटर्स देखेंगे, मॉसफेट मॉडलिंग देखेंगे, डिजाइन टेक्निक्स और डिफरेंट डिजाइन टेक्निक्स और डिफरेंट डिजाइन रूल्स देखेंगे। दिस इज सबसे इम्पोर्टेंट दैट इज योर स्टिक डायग्राम, वो यहां पर स्टडी करेंगे, ठीक है। देन द थर्ड यूनिट दैट इज मॉस इन्वर्टर, उसमें हम वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करते हुए यू विल बी गोइंग टू रेजिस्टिव लोड इन्वर्टर, एनहांसमेंट टाइप एंड मॉस लोड इन्वर्टर, डिप्लेशन टाइप एंड मॉस लोड इन्वर्टर, सीमॉस इन्वर्टर, टारगेट एनालिसिस ऑफ सीमॉस इन्वर्टर। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ मॉस इन्वर्टर्स देखेंगे, ठीक है, इनका एनालिसिस देखेंगे। एंड फाइनली वी विल कम टू सम फंडामेंटल डिजिटल डिजाइन, सो दैट इज डिजिटल सीमॉस लॉजिक डिजाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी अंडरस्टैंड व्हाट इज डिजिटल लॉजिक डिजाइन, देन उसके बाद सीमा लॉजिक डिजाइन देखेंगे, उनके डिफरेंट मेथोडोलॉजीज देखेंगे, सीमा डिजाइन मेथोडोलॉजी। देन विल बी डिजाइनिंग द सीमॉस नॉट गेट, सीमॉस टू इनपुट नैंड गेट, विल बी डिजाइन सीमॉस टू इनपुट नॉर गेट। फिर विल सी दैट व्हाट आर द डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ सीमॉस लॉजिक सर्किट्स, जिसमें कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट्स, सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स, ठीक है। एंड फाइनली आई विल गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ डायनामिक सीमॉस लॉजिक के बारे में देखेंगे लास्ट में, ठीक है। तो दिस इज हाउ जो बेसिक अंडर ग्रेजुएट के अंदर बीटेक के कोर्स के अंदर जो कंटेंट्स होते हैं, आई एम जस्ट कमिंग थ्रू दैट, ठीक है। तो होप यू विल बी एंजॉयिंग दिस लेक्चर सीरीज, एंड उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वहां पर और भी एक लेक्चर सीरीज, दो तीन लेक्चर सीरीज चल रही है, फॉर एग्जाम्पल बेसिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, ये दो लेक्चर सीरीज ऑलरेडी पहले से चल रही है, तो उसको भी एंजॉय करें, ओके, थैंक यू।